परेशान हम पहुंच चुके हैं कासम डेजर्ट सफारी और ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। और अगर कुलधरा से आप यहाँ पर आते हो तो आपको 40 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ेगा। और अभी ये काफ़ी आपको ऐसा लग रहा होगा बेरौनक सा, वैसे तो अच्छा ही लग रहा है, बट लाइटिंग के बाद ये कुछ अलग ही प्लेस लगेगा। जब हम रात को फंक्शन होगा तब आपको दिखाएंगे। और वहाँ कॉर्नर पे मेरा रूम है, हमने स्विस टेंट बुक किया था तो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा है। हमें टैरिफ पड़ा 4,500 फॉर वन नाइट। और यहाँ पर चेक इन 3 बजे करना होता है क्योंकि दिन भर लाइट होती नहीं है तो थोड़ी गर्मी होती है। और वैसे भी सारे जो प्रोग्राम और फंक्शन होते हैं वो 4 या 5 बजे से स्टार्ट होते हैं। 4 बजे से स्टार्ट होगा जीप सफारी और उसके बाद कैमल राइड होगी 5 बजे। तो अभी हम रेडी होके जा रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, देखते हैं। ये मेरा पहली बार है, देखते हैं कैसा लगता है। मुझे पता है, आई एम श्योर अच्छा ही लगेगा क्योंकि मैंने देखा है कई वीडियोज़ में। तो सी, चलिए देखते हैं और मजे लेते हैं। तक सिर्फ रेत ही रेत है, मजा आ रहा है ना। अजीब लग रहा है ना, मैं राजस्थान में बैठ के चाय पी रही हूँ, लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाय पी रही हूँ। बट इतना सब कुछ करने के बाद थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी गेन करते हैं क्योंकि नेक्स्ट एडवेंचर भी करना है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ सैम सैंड ड्यून्स में, जो जैसलमेर में पड़ता है। और यहाँ आप आकर काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। तो आज मैं करने वाली हूँ जीप सफारी, कैमल राइड यहाँ पर, और बाकी का जितना फंक्शन होगा वो हम करेंगे अपने कैंप में। तो यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है, तो मेरे साथ बने रहे। तो चलिए चलते हैं। अरे ये तो मैं अपने लिए लाई हूँ, तुमको क्यों दूँ? अभी खरीदा मैंने पहनने के लिए। ले देना, दूसरा ले लेना। नहीं नहीं, कहाँ से दूसरा लेना, मिलता थोड़ी यहाँ पर आज। ले लेना सर, बेटा थोड़ा साइड हो ना। सवारी करा देना, मेरा भार उठाने के लिए। थैंक यू। सो जयपुर में मैंने करी थी, अरे शिट, जयपुर में मैंने करी थी हाथी पे सवारी और यहाँ पर मैं कर रही हूँ ऊंट पे सवारी। हर एक्सपीरियंस इंसान को लेना चाहिए, ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट है और मुझे डर लग रहा है। मम्मा और मेरे पीछे आप सनसेट देख रहे हैं, सनसेट हो रहा है और हम कैमल राइड कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ना, मैं बार बार राइट में शिफ्ट हो रही हूँ, राइट में मेरा वेट जा रहा है तो मेरे को बार बार लेफ्ट को सेटल करना पड़ रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है खुद को।
अदरवाइज मैं राइट की तरफ गिर सकती हूँ। ओ जी केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे। सोनेरी धरती जठ तो चांदी रो आसमान, सोनेरी धरती जठ तो चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरमरो प्यारो राजस्थान। तो अब सुने आप लोग जाते हैं तो